लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है। तो भैया, वोट का खेला खत्म हो चुका है और चोट का खेला चालू हो गया। सरकार क्या बनी बंगाल, एकदम से सुलग उठा। लोग पकड़ पकड़ कर पीटे जा रहे हैं। पिछले दो दिन के अंदर करीब दर्जन भर लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। टीएमसी और भाजपा दोनों की एक दूसरे पे उंगली ताने हैं। लेकिन ये सब देख के हमारी घोर राष्ट्रवादी नारी और सबसे पंगा लेने को सदैव आतुर रहने वाली हर दिल अजीज अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा की तरह भभक उठी हैं। मतलब जांच एजेंसियां तो जब जांच करेंगी तब करेंगी, लेकिन फिलहाल तो इन्होंने अपना फैसला सुना दिया। भाजपा पर तो उनकी उंगली उठने से रही तो सारी तोहमत ममता दीदी पर ही मर दी। उनके खिलाफ तो वैसे भी नहीं बोल सकती। अब भला इतने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं तो नमक का कुछ तो हक अदा करना ही पड़ेगा। कंगना मैडम बता रही हैं कि बंगाल में जो गुंडई चल रही है उसे रोकने के लिए इस गुंडई से ऊपर वाली गुंडई यानी सुपर गुंडई की जरूरत है, और इसके लिए वो मोदी जी को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि वो अपना 2000 के पहले वाला विराट रूप दिखाएं। कंगना जी की समझदारी के लेवल में कोई शक है ये नहीं है, लेकिन पहले ये समझदारी स्थानीय स्तर की थी। बहुत मेहनत की, दिन रात एक किए, तब जाके राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाई। आप ही देखिए, पहले मैडम केवल अपनी इंडस्ट्री के लोगों से पंगे लिया करती थी, लेकिन फिर इनके सलाहकार समझाए कि ऊपर जाना है तो कुछ बड़ा कीजिए, बस तब से बड़े बड़े राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पंगे लेने शुरू कर दिए। इसी चक्कर में कुछ दिन पहले सीधे महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे बैठी। इनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, बेचारा निर्दोष ऑफिस जरूर ढा दिया गया, लेकिन इनको जो चाहिए था वो भरपूर मिला। एक तो आजकल मुद्दों का ऐसा अकाल पड़ा है कि मीडिया वाले इसी खबर को हमारे टीवी सीरियलों की तरह जबरदस्त खींच खींच के 24 घंटे चलाए हैं। हालांकि मैडम को इस मेहनत का इनाम तुरंत मिला। तत्काल वाई कैटेगरी वाली सुरक्षा ने इन्हें अपने घेरे में ले लिया। कंगना मैडम इधर काफी दिनों से कुछ अकेलापन और कमजोरी सी महसूस कर रही थी, सो हमेशा की तरह ट्विटर नाम की दवा ली और 2-4 ट्वीट के डोज हचक दिए। ट्विटर तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मैडम जोश जोश में आपने तो सुपर गुंडई और मोदी जी का ही कनेक्शन कर दिया। आखिर कहना क्या चाहती हैं? 2000 के पहले वाले विराट रूप से भी आपका क्या तात्पर्य है? मैडम आप माने या ना माने, लेकिन जो आप लिख रही हैं शास्त्रों में उसी को द्व्यर्थी बातें कहा जाता है। बस इसी में ट्विटर चिड़ बैठा, ऐसा गुस्साया कि एकदम से सस्पेंड कर दिया, वो भी आजीवन। अब ट्विटर जी ये क्या बात हुई भला, अब कंगना मैडम देश हित के मुद्दे उठा पाएंगी? अनजाने में देश का कितना बड़ा नुकसान कर दिए हैं। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसे कोई भी कहीं भी सही नहीं ठहरा सकता। जो दोषी हैं उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गुंडई के बदले सुपर गुंडई के बात कह के कंगना मैडम फिर से मनचाहे विवाद में घिर गई है। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है।